हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर फिर से स्वागत है। पिछले दो दिनों से आप में से कई लोगों का कमेंट लगातार इस मुद्दे पर आ रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में डेली ट्रैकिंग में आप लोग जो फोटो कैप्चर करके अपलोड करती हैं वो फोटो सबमिट नहीं हो रहा है, या फिर फोटो कैप्चर करने में वहाँ पर राउंड राउंड सर्कल घूम रहा है और सिर्फ जो है वहाँ पर प्रोसेस कर रहा है, या फिर फोटो क्लिक करने के बाद जो है पूरा बैक हो जाता है, फोटो कैप्चर नहीं हो पाता है, फोटो सबमिट भी नहीं हो रहा है। उसके पहले आप लोगों के अंदर जो समस्या थी पोषण ट्रैकर ऐप में कि प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बार बार स्क्रीन पर आ जाता है हेल्पर के लिए, तो उसका सोल्यूशन मैंने दिया था 3 दिन पहले। अब इस वीडियो में आपको क्लियरली जानकारी मिलेगी अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर डेली ट्रैकिंग में फोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या करना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसके बारे में जानकारी मिल पाए क्योंकि पूरे भारत में समस्या चल रही है। चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करने के बाद मैंने AWC डेली ट्रैकर ओपन कर लिया है। देखिए ऐप अभी अच्छे तरीके से उतना काम नहीं कर रहा, इसलिए हर आपको ऑप्शन पर ऐसे सर्कल जैसा प्रोसेसिंग करते हुए फोटो दिखाई देगा, ऐसे गोल 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 हर जगह घूम रहा है। तो कई लोगों का कमेंट लगातार पिछले दिनों से ये आ रहा था, 2-3 दिनों से, कि उन लोगों के सेंटर का जो है डेली ट्रैकिंग में जो है AWC फोटो कैप्चर नहीं हो रहा है। फोटो कैप्चर भी हो रहा है तो वो कैप्चर जो है सबमिट नहीं हो रहा है, यानी कि फोटो सबमिट नहीं हो पा रहा है, ऐप क्रैश कर जा रहा है, ऐप जो है पूरा बैक हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ AWC फोटो पर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको कैमरे वाले आइकन पर आप क्लिक कीजिएगा तो इतने से इतने दूर के बीच में आपका जो मेन कैमरा है पीछे वाला, उसके पीछे जो भी चीज़ें होंगी उसका फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपको फ़ोटो कैप्चर कब करना है। उसके पहले आपको आपके मोबाइल का जो लोकेशन है वो हर हाल में ऑन होना चाहिए। कैमरा का परमिशन आपसे मांगेगा अगर आप फोटो नहीं भेजते रेगुलर, तो यहाँ पर कैमरा का परमिशन मांगेगा, लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से आपको जो है ये GPS को ऑन कर देना है। तो GPS ऑन कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कैमरा का परमिशन देना होगा। लेकिन फिर भी कई लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि उनका ऐप अपडेट है, लोकेशन ऑन है, कैमरा का परमिशन भी दिया हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है उनका जो है फ़ोटो सबमिट नहीं हो रहा है, फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको टोटल प्रक्रिया करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस सेंटर का जो है फ़ोटो जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ केंद्र पर जहाँ भी दिक्कत है उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए आपको यहाँ से इसको पूरा बैक कर देना है, बिल्कुल इसको कट कर देना है ऐसे करके। उसके बाद आपको जहाँ भी आपका ऐप होगा पोषण ट्रैकर ऐप, जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं इस पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है 2-3 सेकेंड के लिए टच करके रखना है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्लिक नहीं करना है, टच करके रखना है। जैसे ही मैं यहाँ पर टच करके रखता हूँ तो देखिए 3-4 ऑप्शन आते हैं ऊपर में, और सेकेंड में जो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऐप इन्फो, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए तो ऐप इन्फो पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अब इस ऐप का एक्चुअल डेटा जो है, जो भी इसका कैसे डाटा है या फिर स्टोरेज आपके मोबाइल में जितना लिया हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपने कौन कौन चीज़ों का परमिशन दिया हुआ है, लोकेशन, कैमरा, स्टोरेज वगैरह, उन सारी चीज़ों का देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बार मात्र ये प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, आपको यहाँ पर क्लियर डेटा का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर आपके मोबाइल में स्टोरेज में भी यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन ऐसा आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कैसे डाटा ये जो है आपको क्लिक कर देना है। आपको ऑल डाटा पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो फिर से आपको जो है लॉगिन करना होगा। अगर फोटो अपलोड नहीं हो रहा तो एक बार आपको क्लियर कैचे पर क्लिक कर देना है, पोषण ट्रैकर ऐप पर टैप करके ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पूछेगा कि कैचे डाटा को आपको क्लियर करना है, तो ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके पहले देख लीजिए यहाँ पर स्टोरेज जो है वह 79.79 MB जो है ये लिया हुआ है। ओके पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 79.79 जो था अब ये हो गया 77.65, यानी कि 2 MB से ज़्यादा का जो कैचे डाटा है वो क्लियर हो गया। अब ऐप आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो ये कैचे डाटा होता क्या है कि बार बार किसी ऐप को आप यूज करते हैं, ओपन करते हैं, ऑफ करते हैं, उसमें काम करते रहते हैं, तो बिना मतलब की चीज़ें वो इसके ऐप के बैकग्राउंड में स्टोर होती रहती हैं, उसको आप क्लियर कर दीजिएगा। तो आपको फोटो भेजना हो पोषण ट्रैकर ऐप से, या अटेंडेंस बनाना हो, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चीज़ें सही हो जाती है। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो वर्जन है वो 20.3.2 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका ऐप हमेशा अपडेट रहे, और अगर कोई चीज़ काम नहीं करा तो उसे कैसे डाटा
ज़्यादा क्लियर है तो चीज़ें काम करने लगती हैं। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये स्टेप एक बार फॉलो कीजिए, फिर फोटो अपलोड करके देखिए, फोटो अपलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।